हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई हमारे रोज का जर्नी स्टार्ट, कहीं जा रहा हूँ पर बताऊंगा नहीं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ बोल, क्या कहने जा रहा है? मैं कह रहा हूँ जाने का तो ऐसा है कि मौसम बहुत अच्छा है घूमने लायक। नहीं, मौसम भी कुछ ना कुछ बोल रहा है भाई। देखो आज मौसम कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाहता है हमसे। अरे भाई साहब, तो भाई मजा वैसे ऐसे मौसम में घूमने का दीपक। थोड़े लंबे टूर पे हम, पहले तो क्या था कि आसपास घूम लेते थे, आज है थोड़ा लंबे टूर पे, तो सीधा आज हम उड़ान भर रहे हैं बाहर की। भाई बताएंगे नहीं, बताएंगे जाके पांच के लोकेशन पर कि गए, मतलब एक्चुअली में जा कहां रहे हम, अभी नहीं बताएंगे। ऐसा ना कुछ लोग अगर पता लग जाए ना किसी है तो होते हैं ना बहुत से कुछ जो गए हुए हैं और हमें छोड़ गए हैं बीच में। नहीं, बहुत से होते हैं सरप्राइज उनके लिए, जिनके खुजा होती है। क्यों नहीं, खुजा बहुत हो गया ना। अरे बहुत हो गया खुजा, है ना, खुजा के पास ही जा रहे हैं। कुछ नहीं भाई, चलो ये सब बातें पे गौर नहीं करना चाहिए भाई। खुजा तो यार किसी के भी हो जाए, खा जाए, हमारे तुम्हारे भी हो सके यार। खुजली है भाई, खुजली है, जालिम लोशन लगा ले, साले तेजाब से रह जला दे। दिल्ली एनसीआर में तो भाई मौसम बुरा बहुत, एकदम तगड़ा कर गए। मुझे भाई ने बची रहे, मैंने एकदम से मारी पटला है। हाल ठीक हो गया वैसे, इसमें ड्रायर लग गया ना, देसी ड्रायर लग गया बाहर। बिल्कुल भाई, सीजर डाउन करो और सर बाहर निकालो एकदम सैड। हल्की बारिश है, हल्की होगी बारिश, हल्की होगी, फोटो वोटो शूट कराने के लिए बढ़िया इलाका। अरे लो प्रोफाइल है, तू ज्यादा कुदाओ मत यार, जगह थी गाड़ी पूरी, टायर वेर फट गया ना तो मैं लेने के देने पड़ जाएंगे। खुजा भी लाने की। खुजा छोड़ दो तू, चले घर वाले किल के मारते रह जाएंगे जिनके भर को। कौन सा काम पड़ा है भाई? उन्हीं बंदों का घर हो, इधर इलाका उन्हीं बंदों का है ना, उन्हीं बंदों का, एक बंदों का इलाका ही पता लग जाता, नाम याद होता। हेलो अंकल, देख रहे भाई, फोटो वोटो शूट करवा के अपना चलेंगे कटगंगा नहाने, और नहाने के बाद फिर दीपक है जो जिसके साथ मैं हूँ दोस्त के साथ, उनके फिर घर भी जाना गांव में, और मैं खा पी के फिर अपना वापस नोएडा की तरफ चलेंगे।
तो भाई वैसे सही बताऊं तो आज मौसम बहुत तगड़ा है, घूमने लायक मौसम है, सही बता रहा हूँ भाई, घूमो निकलो घर से बाहर, बहुत तगड़ा मजा आएगा, पर पैसे जेब में लेके चलना भाई। भाई फोटो शूट हो चुका है, अब दोबारा चल दिए अपना रास्ते में, अभी कड़ेगा वैसे बहुत टाइम है, कम से कम तो अभी आधा पौना घंटा लग जाएगा ना, मुश्किल से आधा घंटा भाई, आधा घंटा लगेगा, लेकिन आधे घंटे में मौसम हो रहा है बारिश का तगड़ा, तो ऐसा ना हो कहीं नहाने धोने को मन नहीं कर पाते। तो भाई व्लॉग में आ चुका थोड़ा सा ट्विस्ट, हम जा रहे थे कड़ेगा तो वहाँ नहीं जा रहे, एक्चुअली क्या हुआ, जो हमारे जिम के ओनर है भाई है, उनका फार्म हाउस पे आ गए हम, तो यही वाला है क्या ये लगा रहा था देखने का, तो हम उनके फार्म हाउस पे आए, उनका फोन आ रहा था, फॉर्च्यूनर पीछे पीछे खड़ी हुई कहीं देख लगा था यही हो ना यार, हमने दो मंजिल बनाया, तो चल फिर आ गए। तो भाई अब फार्म हाउस पर जाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, देखेंगे स्विमिंग पूल मन करा तो ठीक है, तो हम बिना नहाए निकल देंगे, क्यों नहाएंगे वैसे, घड़ी जो मेन आज सोच के आए हो, गढ़ की सोच के आए, गढ़ जाएंगे ही जाएंगे, तो बाकी देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा देख फार्म हाउस भैया देखो मैं बारह ओके यार टोल पे तो जाम क्यों रहा है, वैसे कहते कि इनको एक दो मिनट से फालतू कर कोई खड़ा हो जाओ तो टोल फ्री सेकंड जो सेकंड वेकंड तो ना होता, खैर यार वहाँ उस लाइन पे पहुंच के 15 सेकंड से ऊपर खड़े हो जाओ ना तो फ्री हो गया, साले 10 सेकंड तो वैसे ही हो जाए, स्कैन करने करने में लग जाए 10 सेकंड तो। यार बहुत टाइम हो गया दीपक यार, है 10 मिनट डोलियां खड़े खड़े, दिन में की नजर कहीं जाओ ना जाओ, पर वही गाड़ी के टायरों पे बहुत चलते जाते हैं हमारे, है भाई तू जा वैसे गाड़ी के टायरों पर निशा स्कैन करने के लिए अपने जैसे लगवाएंगे ना टायर, साले मैं को फास्ट टैग को टायर से क्या मतलब, फास्ट टैग दिखा रहा है स्कैन करने के लिए, यार तू भी दीपक आदि करता है, अरे तो स्कैन कर रहा है कॉमेडियन भाई, बहुत तगड़ा है कॉमेडियन, बहुत तगड़ा है, इसके कुछ कुछ हरकत में तो मैं ऐसे दिखा दूंगा ना, ऐसे दिखा दूंगा ना, अगर देख ली तुमने, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पेट में से खून निकल जाएगा, बाहर नहीं आएगा, अंदर ही अंदर घूमता रहेगा खून। तो भाई अब जा रहे हैं वापस नोएडा, कितनी बार बोलूंगा ये लाइन है नहीं। तो भाई अब फार्म पे से निकल चुके हैं, अब दोबारा हाईवे पर चढ़ गए, अब सीधा अपनी जो जर्नी है वो हो चुकी है उल्टी वे टू नोएडा, अब अपना घर जाएंगे, वैसे तो रोटी वाटी खा लेना बाहर ही खा ली, धूप भाग इतनी कुछ तगड़ी है, तो भूख लगी, घी और खाया तो घेवर खाया घी वाले, तुम तो कभी खाया ना होगा ना, हम तो कल खावा है तू खा तो होगा, मैं तो मिल्क केक खाया भी। तो भाई अब अपना हाईवे पर चढ़ के अब मुश्किल नहीं, एक घंटा लगेगा, एक सवा घंटे में अपना नोएडा, घर जाके आराम से सोएंगे, नींद आ रही है बहुत तगड़ी, क्यों आँखें एकदम भाई, कम से कम दो घंटे रहे होंगे, दो घंटे तो ऊपर भाई स्विमिंग पूल में रहे, पूरा मजा आया जो बात है, बाकी का तो मजा आया भाई, और ऊपर से बारिश पड़ रही थी नॉन स्टॉप, तो भाई ठंड से बॉडी जो टेम्परेचर है ठीक ठाक नीचे आ चुका है, अब बस जी कर रहा घर का बेड मिले और सुबह उठावे जो उठावे भी 10 बजे के बाद। तो भाई अब मैं तो सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को यही ख़त्म कर दिया जाए, तो ब्लॉग को यही ख़त्म कर दे, जब तक के लिए टाटा बाय।